क्या मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ये है बेस कैंप के नज़ारे और हमारे पीछे है ओपी बाबा का मंदिर। ये कुमार पोस्ट है करीब हमारे शहीदों की। ये कुछ ऐसा जो माउंटेन में चढ़ते हुए और इनकी ड्रेस। तो हमारे साथ है लद्दाख के एमपी, ये सामने बैठे हुए जस्ट सामने है सामने और वहाँ इनोग्रेशन होते हुए सामने। कल का होम स्टे हमारा कुछ ऐसे था जहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो चुली चांगनी चांगलुंग गांव है, चांगलुंग गांव में हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है और अब हम लोग यहाँ चलते हैं। मुँह माँ धो ही लिया, नहाने का कोई है नहीं सीन, भाई बैठे हैं ऐसे ही। और थोड़ी देर में आज एमपी आने वाला लद्दाख का, हो सकता है एमपी के साथ हमारी फोटो आ जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं आपको मोटर बाइक पे, मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग पे। और कुछ ऐसा है बाहर का सीन। ओ यहाँ खमीर की रोटियाँ खाते हुए हैं, पूछेंगे मुझे भी नहीं पता। बटर है और नमकीन टी है, भाई के भी सेम है, दही दही में खाता नहीं हूँ। तो ये हमारा नाश्ता है आज का, तो ये करते हैं। और ये हमारा जहाँ हम लोग कहाँ बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं। आज की राइड स्टार्ट करते हुए और आज की राइड है बेस कैंप तक। तो वार से यहाँ से 21 किलोमीटर हम लोग, मतलब 21 किलोमीटर पीछे आए थे देख लो रात को, क्योंकि वारसी में था नहीं वहाँ। और लद्दाख का एमपी भी है वो भी यहीं पे है, पीछे कोई गांव है उसमें रुका हुआ है। टाइम तो वही था 9-10 बजे का, कुछ टाइम था वहाँ पे रिबन काटने का टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट की एंट्री हो सके। एक बात और, इस इन पहाड़ों के पीछे तुरतुक है जो थांग बॉर्डर आता है, जो थांग है पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, तो इन पहाड़ी के पीछे, तो यहाँ से कोई रूट नहीं है उधर जाने का। वारसी पहुँच चुके हैं, 11:30 का टाइम हो चुका है, तो यहाँ से हमें एंट्री मिलती है नहीं, अभी कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ वेट करते हैं हम अपने भाई का। ओ यहाँ पे तो कुछ लगाने रखा था, आई थिंक एंट्री हो चुकी क्योंकि यहाँ बीजेपी के ये लगा रखे हैं काफी। सर ये बेस कैंप में एंट्री है आज? बेस कैंप? हाँ यार अभी होने वाला है। अच्छा आज होने वाला है, ठीक है। तो कितने बजे तक? ठीक है थोड़ी देर में आने वाले हैं। कल ले आए थे हम लोग तो चांगलुंग गांव में रुके थे, चांगलुंग कल वारसी तक आए थे, वारसी में पर यहाँ पे कोई था नहीं, यहाँ पे होम स्टे पे आज छोड़ देंगे। हाँ अच्छी चीज़ है टूरिज्म के लिए, सिविलियन काफ़ी लोग आएंगे फिर यहाँ पे ही है। तो ये है वारसी गांव, वारसी गांव में हम लोगों ने एंट्री कर चुके हैं। और जो आप सामने ये लोग देख रहे हो ये सब हमारे एमपी है जो लद्दाख, उनका वेट कर रहे हैं। ऑफिशियल सिविलियंस की एंट्री हो जाएगी तो हम लोग भी साथ साथ इनके एंट्री करेंगे यहाँ से। आई थिंक पास ले काफ़ी लोग यहाँ पे हैं पर हम लोग ऑफिशियल एंट्री करेंगे आज से। तो अभी जैसे ही आते हैं तो आपको और दिखाते हैं इसके बारे में। यहाँ से शायद 15-20 किलोमीटर है, तो 15-20 किलोमीटर में कैंप अपना जो बेस कैंप है वो स्टार्ट हो जाएगा।
नमक वाली चाय आधी है ना, आधी आधी बिल्कुल आधी हाफ। आधी दी कर दो, आधी दी, आधी कर दो, आधी हाँ ये एक में से अपनी कर ले आधी दी। हाँ बस मैं क्या कंप्यूटर अच्छा ये हाल है। तो नमक वाली चाय वारसी में पीते हुए बटर टी केएमपी है हमारे साथ यहाँ पे सियाचिन। एनर्जी बढ़ाएगी पीछे की वेट। सियासिन की एंट्री का है यहाँ से 27 अक्टूबर को, नहीं 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2021 को। तो सर आए हैं इनॉग्रेशन करने, तो ये यहाँ की वेलकम ड्रेस भैया को एंट्री के लिए। ये कुछ लोकल बाइकर्स है और कुछ यहाँ के हैं, मतलब अपने बाहर के अपने टूरिस्ट वाले, और ये इनॉग्रेशन होते हुए सामने ये यहाँ से एंट्री है अपनी बेस कैंप के लिए। तो ऑफिशियल एंट्री होते हुए और साथ में टॉफियां मिलते हुए यहाँ पे, थैंक यू। तो कुछ ऐसा कच्चा पच्चा रोड आते हुए और हमें काफ़ी टाइम हो गया राइड करते हुए, तो आए थे मुझे लग रहा है 8-9 किलोमीटर और है यहाँ से, तो 8-9 किलोमीटर बाद हम लोग बेस कैंप पहुँच जाएंगे। तो यही सियाचिन का पूरा रोड है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे बैटल हुई थी, हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड का जो सियाचिन वॉर हुआ था सियाचिन। तो आई थिंक सियाचिन बेस कैंप आ चुका है और हमारे सामने ही सियाचिन बेस कैंप है। ओहो स्लो 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 स्लो, तो ये कहीं लिखा हुआ है सियाचिन, तो हम बेस कैंप में पहुंच चुके हैं और यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है जो हमारे लिए खोल दी गई है क्योंकि लद्दाख कैंप भी हमारे साथ है सर। तो ये लोग लगवाते कि बाइक वाइक कहाँ पे लगा गए हैं, तो आज भी कल से यहाँ पे सही पार्टी वार्टी है, छोटी मोटी पार्टी है सभी लोगों के लिए जो आए साथ एमपी के साथ जितने भी लोग हैं। हेलो सर, विजैक एप इवन स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर अस। हेलो सर, ओपी बाबा एसएस आमियाई तिरंगा ये कुछ है यहाँ पे जो बेस कैंप है और जो मतलब मेन है जहाँ पे पोस्ट है वो ऊपर ही है हाइट पे पाकिस्तान की और भारत की आमने सामने, मतलब एक किलोमीटर का अंतर हो गया था, 1 किलोमीटर दिखते रहते हैं और आपस में शायद। ऑफिसर श्री दिनेश जग्गी जी विल टेल अस फॉर द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस जी द मेटल सर। गुड आफ्टरनून सर, दिनेश जग्गी कंस्टेंटिन महार एंड मेन हिस्ट्री अबाउट ओपी बाबा मंदिर। दिस श्राइन ओरिजिनेट फ्रॉम द मलावन पोस्ट। मलावन पोस्ट इज ए पोस्ट इन द बिला कॉम्प्लेक्स व्हिच इज एट द नदन ग्लेशियर। सो इन द लेट 80s इट वॉज बिलीव दैट ऑनररी कैप्टन ओम प्रकाश then Subedar and formerly remembered as OP Baba
was given a task of patrolling. So during the patrol, he was instrumental to revert back the enemy's attack. And after that, what remains of him is still a mystery. So it is believed that Gopi Baba acts as a guiding deity for all the saviors and warriors serving at the NG battalion. It is believed that if there is any enemy attack or any vagary of this harsh climate, so he comes in the dreams or in Yori. Every person feel like that Baba is telling them that something big is coming. So he gives a forewarning to all the saviors and warriors in the NG battalion. It is also believed that on 25th of every month, Gopi Baba descends down from NG battalion. He stays here for a week and visit to the other Southern Glacier like CG battalion, Southern Glacier battalion. Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! Bhartiya Sena Zindabad! Bhartiya Sena Zindabad! Bhartiya Sena Zindabad! Gopi Baba Ki Jai! Gopi Baba Ki Jai! Gopi Baba Ki Jai! Gopi Baba एंटर करते हुए सर के साथ क्या मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ये है बेस कैंप के नज़ारे और हमारे पीछे है ओपी बाबा का मंदिर। एक कुमार पोस्ट है करीब मातरम वंदे मातरम हमारे शहीदों की। ये कुछ ऐसा जो माउंटेन में चढ़ते हुए और इनकी ड्रेस।